बड़ी खबर मुंबई से, वहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। एनसीबी ने मुंबई के पास समंदर में चल रही जहाज पर एक पार्टी पर छापा मारा। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक इस छापेमारी में एक बहुत बड़े ड्रग्स नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, जबकि करीब 8 से 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बड़ी बात यह है कि हिरासत में लिए गए लोगों में कुछ फिल्म जगत से जुड़े हुए भी हैं। खबर यह है कि हिरासत में लिए गए लोगों में 2 मशहूर एक्टर के बेटे हैं, जबकि एक एक्टर भी एनसीबी के रडार पर है। इसके साथ ही कुछ बड़े बिल्डर्स और हाई प्रोफाइल लोगों के परिवार भी इसमें शामिल हैं। एनसीबी की कार्रवाई के बाद देर रात एनसीबी अधिकारी भी दफ्तर पहुंचे। बताया गया कि जिस क्रूज पर एनसीबी ने छापा मारा उस पर एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और कई लोगों ने इसके लिए बुकिंग भी की थी। ये क्रूज 2 अक्टूबर को रवाना होकर 3 अक्टूबर को लौटना था, लेकिन एनसीबी की छापेमारी की वजह से ये कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। इस दौरान क्रूज की यात्रा के लिए पहुंचे लोगों को भी भारी मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें एनसीबी ने मुंबई के पास समंदर में एक जहाज पर चल रही पार्टी पर छापा मारा, क्योंकि एनसीबी सूत्रों का यह कहना है कि छापेमारी में एक बड़े ड्रग्स नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें करीब 8 से 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बड़ी बात यह है कि हिरासत में लिए गए लोगों में कुछ फिल्म जगत से जुड़े हुए भी हैं। वो इंटरसेप्ट किया है हमने, वो नीचे लो, और उनकी इन्वेस्टिगेशन चालू है अभी। अभी कुछ भी कहना, इट विल बी वेरी प्रीमैच्योर। सर आईपीएस ने बोला ताबत घेतले, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा इस बारे में। अभी हाँ, ड्रग हैज बीन रिकवर्ड, और कि ये सब मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। आई विल प्रॉपरली इशू एंड सर, कितने लोगों का लिया गया है? 8 से 10 जनों को अभी वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। थैंक यू। सर कोई सेलिब्रिटी भी है? अभी कोई मैं इस बारे में कमेंट नहीं करूंगा। और इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी दिवाकर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दिवाकर, देखिए, हम जो एनसीबी अधिकारी हैं वानखेड़े, उनको सुन रहे थे। उन्होंने कहा